नमस्कार स्टूडेंट स्टूडेंट मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ वो क्वेश्चंस जो आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आज मेरा फोकस है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस पर वन मार्क्स क्वेश्चन का। मेरे सामने है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और उसमें से जो भी अच्छी चीज़ हो सकती है वन और टू मार्क्स की वो आज मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। वैसे मैं लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस पर आपके साथ बहुत कुछ डिस्कस कर चुका हूँ, बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस कर चुका हूँ। यदि आप उनको देखना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप इस चैप्टर की प्लेस और दूसरे चैप्टर की प्लेस देख सकते हो जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। देखिए आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि इक्वेशंस कंसिस्टेंट कब होती हैं, इक्वेशन इनकंसिस्टेंट कब होती हैं। यदि हमारे पास इस तरह की इक्वेशंस दे रखी हैं और उनके ग्राफ बनाए जाएं तो उनके ग्राफ बनाने पर स्ट्रेट लाइन आती हैं और उन स्ट्रेट लाइन में कंसिस्टेंट लाइन कब क्रिएट होती हैं और पैरेलल लाइंस कब क्रिएट होती हैं। ठीक है, इन बातों को हम समझने की कोशिश करेंगे एक एक करके। स्टूडेंट मैंने आपके लिए सैंपल पेपर क्रिएट किए हैं, ठीक है, उनका लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। उन सैंपल पेपर में सीबीएसई के स्टूडेंट्स के लिए हैं वो, या जैसे स्टेट बोर्ड में एनसीईआरटी सिलेबस एप्लीकेबल है 10th क्लास में, उनके लिए हैं। उन सैंपल पेपर में मैंने आपके लिए वो क्वेश्चंस क्रिएट किए हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए रियली बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, आप वहाँ पर जाकर उन क्वेश्चनों को देखकर, उन क्वेश्चनों को लेकर आप अपनी प्रैक्टिस बहुत अच्छी कर सकते हो। उनके सॉल्यूशन दो तरह से अवेलेबल हैं, एक हैंड रिटन पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल है और एक वीडियो फॉर्मेट में अवेलेबल है। ठीक है, आप उन क्वेश्चनों को लेकर बहुत अच्छी अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। चलिए सर, आज ये कंसेप्ट को बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन कर लें और इसके बाद जो वीडियो में आपको क्वेश्चन दूंगा उन क्वेश्चन को आप जरूर सॉल्व करें। आजकल बहुत सारे स्टूडेंट क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, बहुत आपके कॉमेंट्स आते हैं। ठीक है, मैं आजकल आपको जो क्वेश्चन दे रहा हूँ इन वीडियो के एंड में, उनको सॉल्व करने से रियली आपको बहुत फायदा होगा। चलिए सर, हम समझने की कोशिश करते हैं कि इक्वेशंस कंसिस्टेंट कब होती हैं और इनकंसिस्टेंट कब होती है। पहले हम इक्वेशंस लिख लेते हैं कंसेप्ट में। मान के चलता हूं कि इक्वेशन ए वन एक्स प्लस बी वन वाई इक्वल टू सी वन है और ए टू एक्स प्लस बी टू वाई इक्वल टू सी टू है। एक बात ध्यान रखें स्टूडेंट, ये कॉन्स्टेंट वैल्यू जो है वो इक्वल के एक तरफ होनी चाहिए, या तो इस साइड में हो या इस साइड में हो, ठीक है, लेकिन एक तरफ जरूर होनी चाहिए। देखिए ये लीनियर इक्वेशंस हैं दो। अब ये लीनियर इक्वेशंस कंसिस्टेंट कब मानी जाती हैं और इनकंसिस्टेंट कब मानी जाती हैं। देखो इन इक्वेशन को सॉल्व करने पर आंसर आता है, एक आंसर आ सकता है, या इन इक्वेशन को सॉल्व करने पर बहुत सारे आंसर आ सकते हैं, या इन इक्वेशन को सॉल्व करने पर आंसर नहीं आ सकते। तीन केस के रेट होते हैं हमारे पास। जब आंसर आ सकते हैं तो हम कहते हैं कि इक्वेशन आर कंसिस्टेंट, जब आंसर आता है, ठीक है, तो इक्वेशन आर कंसिस्टेंट, और जब आंसर नहीं आते तो कहते हैं इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट। अब आपको पता है कि इक्वेशन इन इक्वेशनों के आंसर किस कंडीशन में आते हैं। एक कंडीशन है जब आंसर वन वन आता है, और आंसर वन वन कब आता है, एक आंसर कब आता है, एक आंसर तब आता है कि हमारे पास जब ए वन अपॉन ए टू इक्वल नॉट इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू हो, ठीक है, और यहां पर कुछ भी हो सकता है, सी वन अपॉन सी टू हो सकता है और नॉट इक्वल टू हो सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे पास। तो इस कंडीशन में हम क्या कहते हैं, इस कंडीशन कहते हैं इक्वेशंस हैज वन सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है ना, ऐसे तो कहते हैं कि इक्वेशंस के एक सॉल्यूशन आएंगे। कहने का मतलब है इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो एक्स का एक आंसर आएगा और वाई का भी एक आंसर आएगा, ये मीनिंग होता है हमारे पास। और इस कंडीशन में ऐसा होता है तो हम कहते हैं कि इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, सॉरी, ठीक है, इक्वेशन आर कंसिस्टेंट। जब इक्वेशंस के सॉल्यूशन पॉसिबल होते हैं तो बोलते हैं इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, और जब आंसर सॉल्यूशन आंसर पॉसिबल नहीं होते हैं तो बोलते हैं इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट। बात समझ में आ गई, क्लियर है। अब एक आंसर तो इस तरह से आता है और एक आंसर आता है, बहुत सारे सॉल्यूशन आते हैं, एक्स की बहुत सारी वैल्यू आ सकती है, वाई की बहुत सारी वैल्यू आ सकती है, तो उस कंडीशन में क्या एप्लीकेबल होता है, उस कंडीशन में होता है कि ए वन अपॉन ए टू इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू और इक्वल टू कितना होता है, सी वन अपॉन सी टू, ठीक है। जब हम इनका ग्राफ बनाएं तो स्ट्रेट लाइन बनती है, इनका ग्राफ बनाते हैं तो क्या बनता है, स्ट्रेट लाइन बनता है, और हमारे पास इक्वेशन इस कंडीशन की है कि इसको इसके डिवाइड करें, इसको इससे डिवाइड करें और इसको इससे डिवाइड करें, तीनों बराबर निकल के आए तो इक्वेशंस हैज मेनी सॉल्यूशन, क्या बड़े इक्वेशंस हैज मेनी सॉल्यूशन, ठीक है नी, इतना याद रखोगे। और इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, इतना याद रखोगे। और दूसरी बात याद रखोगे कि लाइंस जो इनका ग्राफ बनाने पर लाइन बनेंगी ना, ठीक है, वो लाइन क्या मानी जाएंगी, कॉन्सिडेंट लाइन मानी जाएंगी। कॉन्सिडेंट लाइन का मतलब क्या होता है कि लाइन एक दूसरे को ओवरलैप करेंगी, एक के ऊपर एक लाइन आएगी।
यदि हमारे पास कंडीशन a1 upon a2, b1 upon b2 और c1 upon c2 तीनों बराबर निकल के आती हैं, तो अब इन दोनों के ग्राफ बनाएंगे तो एक ही ग्राफ बनेगा, इसका ग्राफ और इसका ग्राफ क्या करेगा, कॉइंसाइड करेगा, वो दोनों लाइन क्या बनी आएंगी, कॉइंसिडेंट लाइन बनेगी। आप लिख लीजिए इन कंडीशन, इन केस लाइंस बी कॉइंसिडेंट, ठीक है ना, लाइंस क्या मानी जाएंगी, कॉन्सिडेंट मानी जाएंगे, कॉन्साइड करेंगे, लाइन एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे, बात समझ में आ गई, ठीक है। तीसरा केस हमारे पास आता है कि a1 upon a2, ठीक है, a1 upon a2 इक्वल टू b1 upon b2 है, लेकिन वो c1 upon c2 नहीं है, c1 upon c2 के बराबर नहीं है। इस कंडीशन क्या होती है कि इक्वेशंस हैज नो सॉल्यूशन, इक्वेशन सॉल्यूशन नहीं आता, और इक्वेशन आर इनकंसिस्टेंट, क्या मानी जाती है, इनकंसिस्टेंट मानी जाती है, जिनके आंसर नहीं, और इक्वेशंस आर पैरेलल या लाइंस आर पैरेलल, सॉरी इक्वेशन पैरेलल नहीं होती, लाइंस आर पैरेलल, लाइंस आर क्या होंगी, पैरेलल। जब इस तरह की इक्वेशन का ग्राफ बनाएंगे तो लाइन बनेंगे, और लाइन क्या बनेंगी, पैरेलल बनेंगे, ठीक है। आप समझ गए होंगे कि लाइन पैरेलल कब होती है, लाइन कॉन्सिडेंट कब होती है, ठीक है, और आप समझ गए होंगे कि इक्वेशंस कंसिस्टेंट कब होती है और इनकंसिस्टेंट कब होती है, बहुत क्लियर दिमाग में आ गई। इस पर डिपेंड आपका 1 नंबर और 2 नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है ये आपके पास 1 मार्क क्वेश्चन है, राइट, जो बोर्ड एग्जाम से आया हुआ क्वेश्चन है, आपसे पूछ रहा है कि बताइए के की वैल्यू क्या होगी, के इक्वेशंस हैज, यहां पर दे रखा फॉर बार्ड वैल्यू ऑफ के, डू द इक्वेशन हैज कॉन्सिडेंट लाइन, इस कंडीशन में इसके लिए पूछा था कि लाइन क्या हो, कॉन्सिडेंट हो, तब आपको बताइए लाइन एक दूसरे को कॉन्साइड करें, तो बताइए के की वैल्यू क्या होगी। तो आप लिख लें फॉर कॉन्सिडेंट लाइन क्या होगा, ये होगा 3/6 इक्वल टू -1/-k इक्वल टू 8/। अब एक इंपॉर्टेंट बात समझ लें, यहां पर कॉन्स्टेंट वैल्यू इधर है और यहां पर कॉन्स्टेंट वैल्यू इधर है, तो आपको ये वैल्यू इधर ले आनी पड़ेगी या इसको इधर लाना पड़ेगा, ठीक है, मैं इसको इधर ले आता हूं, तो क्या हो जाएगा, +16 इक्वल टू 0। ये बात ध्यान रखें कि कॉन्स्टेंट वैल्यू एक तरफ होनी चाहिए, आपके पास क्या हो जाएगा 8/16। इसे सॉल्व करेंगे तो 1/2 इक्वल टू कितना आएगा, 1/k आ जाएगा, इक्वल टू क्या करेंगे, 1/2 आ जाएगा, तो के इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। आप समझ गए होंगे यहाँ पर k की वैल्यू 2 पुट करने पर इन दोनों का यदि हम ग्राफ बनाएं तो स्ट्रेट लाइन बनेंगी, और वो स्ट्रेट लाइन क्या होंगी, कॉन्सिडेंट लाइन होंगी। बहुत क्लियर समझ में आ गई बात को, कंसिस्टेंट इक्वेशंस क्या होती हैं, इनकंसिस्टेंट इक्वेशन क्या होती हैं, कॉन्साइड लाइन कब होती हैं, पैरेलल लाइंस कब होती हैं, ठीक है, एक लाइन एक इक्वेशन एक दूसरे को ओवरलैप कब करती हैं, ये बातें सभी अच्छी तरह आपको समझ में आ गई होंगी। इसके बाद मैं आपको जो क्वेश्चन दे रहा हूँ उस क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करें, ठीक है, और सैंपल पेपर लेकर बहुत अच्छी प्रैक्टिस करें, विश्वास करिए आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, कोई भी आपके मार्क्स को रोक नहीं सकता, ठीक है। मेरे साथ जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ उनको करें, सैंपल पेपर को बहुत आराम से करने की कोशिश करें, ढंग से प्रैक्टिस बनाएं, और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और मैं जो क्वेश्चन दे रहा हूँ उन क्वेश्चनों को सॉल्व करते रहें, ठीक है, अपना ख्याल रखें और मस्त रहें, ठीक है, थैंक यू वेरी मच।